आज हम आपसे शेयर करेंगे एथिकल हैकिंग के बारे में सारी जानकारी और एक पूरा रोड मैप जिसको फॉलो करके आप वेल पेड एथिकल हैकिंग जॉब्स पा सकते हैं। किसी भी कंपनी या बिजनेस की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए एथिकल हैकर्स की रिक्वायरमेंट काफी बढ़ गई है। हर काम, हर सर्विस, हर बिजनेस अब ऑनलाइन होने लगा है। नतीजा, जितने ज्यादा लोगों को इंटरनेट एक्सेस करने मिल रहा है, उस हिसाब से साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ रही हैं। ऐसे में एथिकल हैकिंग इंश्योर करती है कि सिक्योरिटी स्ट्रेंथन की जाए और फ्रॉड्स, स्कैम्स, साइबर थेफ्ट्स एक्सेट्रा को मिनिमाइज किया जाए। हर कंपनी एक अच्छा एथिकल हैकर हायर करके साइबर क्राइम से बचना चाहती है, क्योंकि यूजर्स के साथ कंपनीज को भी साइबर क्राइम से बहुत बड़ा डैमेज या लॉस हो सकता है। तो अगर आप इस इंटरेस्टिंग, मोस्ट वांटेड एंड हाई पेड स्किल को सीखकर एथिकल हैकर बनना चाहते हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। हम एथिकल हैकिंग के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, सारी स्किल्स, टाइप्स ऑफ हैकिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेट्रा। ऑल्सो हम आपके साथ एक पूरा रोड मैप शेयर करेंगे जिसे आप एथिकल हैकर बनने के लिए फॉलो कर सकते हैं। एंड फाइनली सबसे जरूरी एक बेस्ट फ्री सोर्स भी सजेस्ट करेंगे जहां से आप सीख सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो। कंपनीज अपने डेटा की चोरी, फ्रॉड्स, स्कैम्स एक्सेट्रा से बचने के लिए एथिकल हैकिंग की हेल्प लेती है। एथिकल हैकिंग को पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी कहा जाता है। इसकी मदद से किसी भी एप्लीकेशंस, नेटवर्क्स या कंप्यूटर सिस्टम की सिक्योरिटी एनहांस या इम्प्रूव की जाती है। एथिकल हैकिंग में किसी भी सिस्टम या कंप्यूटर को हैक किया जाता है, लेकिन परमिशन लेकर। इससे पता चलता है कि उनके सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स हैं, कौन से वीक एरियाज हैं और उन्हें कैसे फिक्स किया जा सकता है। एथिकल हैकिंग एंड अनएथिकल हैकिंग में एक छोटा सा डिफरेंस होता है कंसेंट का। एथिकल हैकर्स का इंटेंशन इंफॉर्मेशन चोरी करना या डैमेज पहुंचाना नहीं होता। इंस्टेड वो सिस्टम को हैक करके एक ब्लैक हैट हैकर के अटैक से उसे प्रिवेंट करने के लिए मेजर लेते हैं। ब्लैक हैट हैकर्स बेसिकली अनएथिकल हैकर्स होते हैं जो किसी सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं या प्राइवेट इंफॉर्मेशन चोरी करते हैं। व्हाइट हैक या एथिकल हैकर्स इसी टाइप के खतरे से किसी भी सिस्टम को सिक्योर करते हैं सिक्योरिटी इश्यूज को सॉल्व करके। यहाँ एक और कैटेगरी आती है, ग्रे हैट हैकर्स। ये वो हैकर्स हैं जो सिर्फ फन या प्रैक्टिस के लिए वेबसाइट्स या सिस्टम्स को हैक करते हैं, भले ही इंटेंशन फ्रॉड या थेफ्ट ना हो। पर सिंस ये हैकिंग बिना परमिशन के होती है, ग्रे हैट हैकिंग भी गलत है। सिंस किसी भी कंपनी के लिए सिस्टम्स एक क्रूशियल पार्ट होता है, उसकी सिक्योरिटी और स्ट्रेंथनिंग एक सीरियस टास्क है, क्योंकि अगर ये ठीक से किया जाए तो अनएथिकल हैकर्स उस सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचा पाते। एथिकल या व्हाइट हैट हैकर्स सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज तो ढूंढते हैं, बट उनका यूज करते हैं सिस्टम को मजबूत बनाने में, सो दैट ब्लैक हैट हैकर्स उन वल्नरेबिलिटीज को यूज करके नेगेटिव इम्पैक्ट ना क्रिएट कर पाए। इसलिए कंपनीज टॉप एथिकल हैकर्स हायर करती हैं और उन्हें अच्छा पे करती हैं ताकि कंपनी किसी भी बड़े पोटेंशियल डैमेज से बच पाए। लेकिन एथिकल हैकर्स सिर्फ इतना लिमिटेड वर्क नहीं करते। आजकल इंटरनेट के एक्सपेंशन की वजह से एथिकल हैकर्स कई मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी फुलफिल करते हैं। आइए देखते हैं वो सारे रोल्स। प्रिवेसी प्रोटेक्शन। जिस भी कंपनी या बिजनेस के लिए व्हाइट हैट हैकर्स काम करते हैं, उनकी प्रिवेसी को मेंटेन करना और अच्छे से प्रोटेक्ट करना उनका जॉब है। अपडेट वेंडर्स। जब भी किसी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में कोई वल्नरेबिलिटीज मिलती है, तो एक एथिकल हैकर उन वेंडर्स को इस बारे में इन्फॉर्म करता है, क्योंकि उन वीकनेसेस को गलत तरीके से यूज किया जा सकता है। करेक्टिव मेजर्स। लूप होल्स या ओपन एंड्स ढूंढने के बाद एथिकल हैकर्स को ऐसी स्टेप्स लेनी होती हैं जिससे पोटेंशियल अटैक को प्रिवेंट किया जाए। सही प्रिवेंटिव मेजर्स अप्लाई करना क्रूशियल होता है। दोस्तों, एथिकल हैकिंग सीखने के लिए कुछ स्किल्स एंड टूल्स हैं जिनका नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर आपको पहले से इनके बारे में जानकारी नहीं है, तो आप YouTube एंड फ्री इंटरनेट सोर्सेज से इन्हें इजीली सीख पाएंगे। चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हमें कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स के बेसिक्स क्लियर करने होते हैं। नेटवर्किंग बेसिक्स में OSI मॉडल, HTTP एंड HTTPS, TCP/IP,
आईपी एड्रेसिंग एक्सेट्रा सबके बारे में पता होना चाहिए। अब क्योंकि हर तरह की हैकिंग इंटरनेट के थ्रू ही होती है, आपको इंटरनेट नेटवर्क्स और उसकी वर्किंग के बारे में स्टडी कर लेना चाहिए। उसके अलावा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पर भी अच्छा होल्ड होना चाहिए। आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी नॉलेज गेन करनी चाहिए। पॉपुलर लैंग्वेजेस में C++, जावा, जावास्क्रिप्ट एक्सेट्रा लैंग्वेजेस आती हैं। वाइल बहुत लोग कहते हैं कि इस फील्ड में प्रोग्रामिंग ऑप्शनल है, हम रेकमेंड करते हैं कि आपको एटलीस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न कर लेनी चाहिए। इससे आप काफी फंक्शंस और सॉफ्टवेयर्स को ऑटोमेट कर पाएंगे, टाइम सेव कर पाएंगे और करियर पर्सपेक्टिव से भी ये बेनिफिशियल होगा। अब देख लेते हैं कि आपको क्या स्टेप्स या प्रोसेस फॉलो करनी होगी जिससे आप एथिकल हैकिंग अच्छे से सीख पाए। हम आपको एक फ्री रिसोर्स भी सजेस्ट करेंगे जिससे आप स्किल्स एंड टूल्स को प्रॉपरली सीख पाए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक क्विक अपडेट दे दूं। कुकू FM की तरफ से एक बेस्ट ऑफर है आप लोगों के लिए। कुकू FM ये इंडिया का टॉप ऑडियो पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है। ये लोग नॉन फिक्शन कॉन्टेंट की बड़ी सी लाइब्रेरी ही बना दिए है, जहाँ आप दुनिया के हजारों बेस्ट किताबों को बायोग्राफीज स्किल्स के बारे में सीख सकते हैं बिना पढ़े, सुंदर मधुर ऑडियो में सुन सकते हो और वो भी अपने रीजनल लैंग्वेजेस में। कुकू FM की हेल्प से आप बहुत कम समय में कोई भी बुक की एंटायर नॉलेज को ले सकते हो बिना बोर हुए। आप लोगों को एक ऑडियो बुक सजेस्ट करूंगा, लर्न बेटर बाय उल्रिक बोजर। ये ऑडियो बुक समरी आप हिंदी में सुन सकते हो। ये बुक आपको एक एफिशिएंट लर्नर बना सकती है। सीखने का बेस्ट प्रोसेस क्या होता है, साथ में किसी भी स्किल में एक्सपर्ट बनने के लिए 6 इम्पोर्टेंट स्टेप्स सीखोगे। वैसे तो कुकू FM की नॉर्मल कीमत है सालाना ₹399, जो कि काफी अफोर्डेबल है, बट अगर आप SS50 कूपन कोड यूज करते हैं तो पहले 250 लोगों को मिलेगा 50% डिस्काउंट और आपको मिलेगा पूरे साल भर का एक्सेस सिर्फ ₹200 में, रोज ₹1 से भी कम। कुकू FM ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड जरूर करें। स्टेप 1, लर्न कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ये डिपेंड करता है कि आप करंटली किस फील्ड या कोर्स में हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस, IT या साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड किसी फील्ड में ऑलरेडी हैं, तो आपके लिए ये स्टेप थोड़ा इजी है। बट अगर आप एक कम्प्लीटली डिफरेंट करियर पाथ या फील्ड को बिलोंग करते हैं तो डोंट बी अफ्रेड। आज के टाइम में ऐसे कई एथिकल हैकर्स हैं जिनके पास रिलेटेड डिग्री नहीं है। आपको अपनी स्किल्स और बेसिक्स पर वर्क करना होगा एंड दैट विल बी वर्थ इट। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड अनलिमिटेड रिसोर्सेज आज इंटरनेट पर फ्री में अवेलेबल हैं। अगर आप डिफरेंट फील्ड से हैं और वरिड हैं जॉब पाने को लेकर, तो आप फ्री या पेड कोर्सेज कर सकते हैं विद सर्टिफिकेशंस। इससे आपके पास अपनी स्किल्स को सपोर्ट करने के लिए सॉलिड प्रूफ्स और कॉन्फिडेंस दोनों होंगे। स्टेप 2, लर्न अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड अटैक्स। इसकी समझ सबसे ज्यादा जरूरी है। कंप्यूटर नेटवर्क्स और उससे रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर नेटवर्क्स कैसे काम करते हैं, कौन से अलग अलग तरह के अटैक्स किए जाते हैं, इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जब आप समझेंगे कि थ्रेट की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तभी आप सॉल्यूशंस निकाल पाएंगे। इसलिए ये भी सीखना जरूरी है कि नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए ऐसे कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो आपको लेने चाहिए। सो, इस स्टेप में आपको सिर्फ हैक करने का मीडियम यानी नेटवर्क्स और उनकी वर्किंग को ही नहीं समझना है, साथ ही साथ आपको ये पता करना है कि कौन से अटैक्स हैं और वो कैसे हो सकते हैं। फिर आपको सिक्योरिटी इंक्रीज करने पर वर्क करना है अपने नॉलेज को यूज करके। स्टेप 3, डेवलप योर थॉट प्रोसेस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। आपने फिल्मों में सुना ही होगा कि चोर को पकड़ने के लिए एक चोर की तरह ही सोचना पड़ता है, वैसा ही कुछ अप्रोच यहाँ अप्लाई होता है। आपको अपने सोचने की क्षमता को अनकॉमन बनाना है। आपको सारी पॉसिबिलिटीज कंसिडर करके ये देखना है कि कौन सी अप्रोच अपनाने से आपका काम होगा। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग एथिकल हैकर्स के लिए जरूरी है। आपको समझना पड़ेगा कि कहां से अटैकर को लूपहोल मिल सकता है या फिर किसी सिस्टम में ऐसे कौन से वीक लिंक्स हैं जिनका मिसयूज करके हैकर्स अपना काम निकाल सकते हैं। यहां पर आपको डिसीजन मेकिंग और अंडर प्रेशर वर्क जैसे फैक्टर्स को स्ट्रेंथन करना होगा। कम्युनिकेशन स्किल्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप प्रॉब्लम्स को ढूंढ तो लेंगे, पर सही पर्सन या डिपार्टमेंट तक उसको ठीक से कम्युनिकेट करना जरूरी है। जब तक वो नहीं होगा, आपके वर्क के हिसाब से एक्शन लिया नहीं जा सकेगा। सो, आपको कम्युनिकेशन में प्रोफिशिएंट होना चाहिए।
स्टेप 4 सर्टिफिकेशंस। दोस्तों सिक्योरिटी एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसको लेकर हर कोई बहुत पर्टिकुलर रहता है। एक बॉडीगार्ड को हम तभी हायर कर सकते हैं जब वो ट्रेंड हो और उसके पास हमारी सिक्योरिटी के लिए जरूरी सभी स्किल्स हो। उसी तरह एथिकल हैकर्स अपने जॉब के लिए फिट एंड ट्रेंड हैं, ये सर्टिफिकेशन से पता पड़ता है। आपका टैलेंट या एबिलिटी सर्टिफिकेशंस पर डिपेंड नहीं करते, लेकिन अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने और अच्छा जॉब पाने के लिए सर्टिफिकेशंस एक ट्रस्ट एंड वैल्यू बिल्ड करते हैं। आप सारी रिक्वायर्ड स्किल्स सीख लेने के बाद कुछ अच्छी सर्टिफिकेशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड है। CEH यानी सर्टिफाइड एथिकल हैकर की सर्टिफिकेशन वाली प्रोफेशनल्स की डिमांड और पे दोनों करेंटली सबसे हाई पर हैं। इवन इफ आपके पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं हो, आप ऐसी सर्टिफिकेशंस की हेल्प से एज अ फ्रेशर भी अच्छी जॉब पा सकते हैं। इंडिया में एक फ्रेशर सर्टिफाइड एथिकल हैकर की एवरेज सैलरी 3.5 लाख पर एनम है। ये सिर्फ एक एवरेज है। अगर आपकी स्किल्स एंड काम फाइन है, आप 4-5 लाख से स्टार्ट करके विद 5-8 इयर्स 8-10 लाख पर एनम जा सकते हैं। कुछ हैकर्स अपने 10 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद 20-24 लाख पर एनम भी कमा रहे हैं। सर्टिफाइड होने से आपको सैलरी अच्छी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। CEH के अलावा एक और पॉपुलर सर्टिफिकेशन है CompTIA Security Plus। हमारा फ्री रिसोर्स है ये GitHub Penetration Testing Start Guide। ये रिपोजिटरी स्पेसिफिकली बिगिनर्स एंड फ्रेशर्स के लिए बनाई गई है, जहां आपको कई टूल्स, रिसोर्सेज एंड रेफरेंसेस मिल जाएंगे हैकिंग से रिलेटेड। ये एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड अभी तक का सबसे अच्छा फ्री रिसोर्स हमें लगा है। इस रिपोजिटरी को MIT लाइसेंस मिला हुआ है और इसको 7.8 के स्टार रेटिंग्स दी गई हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको बेसिक से लेकर सारे टूल्स, स्टडी मटेरियल, बुक्स, मैनुअल्स सब कुछ मिलेगा। डिस्कशंस एंड चैलेंजेस वाले सेक्शंस की हेल्प से आप एथिकल हैकर्स की कम्युनिटी से जुड़कर काफी कुछ सीख सकते हैं। ऑल्सो आप अपने नॉलेज को टेस्ट एंड अप्लाई कर पाएंगे। ये एक ऐसी रिपोजिटरी है जिससे आपको एथिकल हैकिंग सीखने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। ये फ्री है तो आप जरूर इसको पूरा स्टडी करें और सारे मटेरियल्स को भी यूज करें। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो एथिकल हैकिंग के बारे में, जहां हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अलावा सभी स्किल्स, स्टेप्स और रिक्वायरमेंट्स की बात की। हमने एक रोड मैप भी शेयर किया जिसको फॉलो करके और फ्री GitHub रिपोजिटरी की हेल्प से आप एक प्रोफेशनल एथिकल हैकर बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट्स में हमसे अपनी क्वेरीज भी आप शेयर कर सकते हैं। ऐसे और फ्री रिपोजिटरीज, रिसोर्सेज, वेबिनार्स एंड अदर फ्री लेटेस्ट मटेरियल के लिए Skillshare टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।